कांकणी हाईवे, बदमाशों का आतंक नजर आया है कांकणी हाईवे पर। ढाबे में मारपीट और तोड़फोड़ की घटना यहां पर सामने आई है। पीड़ित मालिक ने इस पूरे प्रकरण में मामला दर्ज करवाया है। शराब पीने से मना करने पर मारपीट और तोड़फोड़ की गई बदमाशों की ओर से। जोधपुर के लूणी से इस वक्त की बड़ी खबर, कांकणी हाईवे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ढाबे में मारपीट और तोड़फोड़ की घटना यहाँ सामने आई है। शराब पीने से मना करने पर मारपीट और तोड़फोड़ की गई बदमाशों द्वारा कांकणी हाईवे स्थित एक ढाबे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो जोधपुर के लूणी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शराब पीने से मना करने पर जो है ढाबे में तोड़फोड़ की गई, मारपीट की गई ढाबा संचालकों के साथ। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ढाबा मालिक ने इस पूरे प्रकरण में मामला दर्ज कराया है और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। कांकणी हाईवे पर स्थित एक ढाबे की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर कुछ बदमाशों को शराब पीने से मना करने पर उन्होंने वहां तोड़फोड़ की और ढाबा संचालक के साथ मारपीट पर उतारू हो गए। चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी अरुण हर्ष। अरुण, क्या कुछ है ये पूरा मामला है? हिमांशी, मैं बताना चाहूंगा, जोधपुर पाली लूनी हाईवे जो है काकान के पास में शिव शक्ति भोजनालय आया हुआ है, जहां पर चार लोग आते हैं और वहां बैठकर शराब पीने लगते हैं। शराब पीने से मना करने पर होटल मालिक को धमकी दी जाती है, धमकी देने के साथ साथ मारपीट की जाती है और उसके बाद दोबारा आकर और मारने की धमकी देने के बाद में होटल मालिक ने जो लूनी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंपा। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों का पता लगाने का प्रयास कर रही है, लेकिन कह सकते हैं जिस तरह के अपराधियों के हौसले बुलंद है, अगर सरे आम जिस तरह से मेन हाईवे है उस हाईवे पर जिस तरह से बदमाश रुक कर ये मारपीट करते हैं, ये वाकई चिंता का विषय है। जो हाईवे पुलिस की गश्त है उसकी भी बोल खोल दी है। हिमांद्री जी, बिल्कुल, आरोपियों की पहचान हो पाई है इन बदमाशों की जिन्होंने ढाबा संचालक के साथ मारपीट और तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया? देखिए, पुलिस ने जो बताया जिस तरह से कि घटना होने के बाद में पुलिस भी उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पता लगाने का प्रयास कर रही, लेकिन फिलहाल पता नहीं लग पाया, लेकिन पुलिस कह रही है जल्दी हम आरोपियों को पकड़ लेंगे, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज आए उससे यही लगता है कि वो आसपास के क्षेत्र के रहने वाले युवक हो सकते हैं। अब पुलिस अपने मुखबिर तंत्र से इस बात का पता लगाने में जुटी हुई है कि ये लोग कौन थे, लेकिन पुलिस का दावा यह है कि जल्दी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हिमांद्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, जोधपुर के लूणी से ये बड़ी खबर है, जहां कांकणी हाईवे स्थित एक ढाबे पर शराब पीने से मना करने पर कुछ बदमाशों ने मारपीट और तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम दिया। चलिए, जोधपुर के लूणी से ये बड़ी खबर है, कांकणी हाईवे पर ये पूरी घटना सामने आई है। पूरी घटना जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। नहीं, कहीं ना कहीं बदमाशों का आतंक यहां पर नजर आया है।